तो आप लोग है, को बताना चाहिए ना। चलिए रिवीजन की कंप्लीट करा नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। हो रही है मेरी स्क्रीन प्रेजेंट? नो मैम। अच्छा एक मिनट है, देखिए। यस, चलिए अब हुआ नो मैम। स्क्रीन प्रेजेंट? हाँ वो नहीं रहा। हाँ वो आ गया। चलिए है ना। हाँ तो ये है पितामह ब्रह्म और भगवान विष्णु के बीच का संवाद। बताइए योग चूड़ामणि उपनिषद है वो किनके किनके बीच का संवाद है? त्रिशिखो तो था, त्रिशिखो ब्राह्मण और उनके बीच का संवाद। मैम ब्रह्मा और शिवजी का संवाद है इसके अंदर। अच्छा योग चूड़ामणि उपनिषद ब्रह्मा और भगवान भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का संवाद है मैम। योग चूड़ामणि उपनिषद ये कब हो गया? इसमें नहीं है मैम, ये इसमें कब हो गया है ना? भगवान आदित्य और क्या बोलते हैं त्रिशिक ब्राह्मण है उनके बीच का संवाद है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा बना करके रखो भाई, टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ है ना। अपने आप को इतना ढीला मत छोड़िए। अब भी एकदम मैं सुन रही थी निशा मैम का, वो क्या क्या बोल रही थी, पूरा मोटिवेशन दे रही थी, तो मोटिवेशन को डाउन मत कीजिए, पढ़िए थोड़ा सा है ना। चलिए अब इसमें दिया है अष्टांग योग और योग के चार प्रकार का वर्णन। इसके अलावा और बताइए जो हमारा योग उपनिषद है उसमें किसमें अष्टांग योग का वर्णन है? त्रिशिको ब्राह्मण। हाँ त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है ना। अब हठ योग के ग्रंथ में किसमें है? योग सूत्र का कोई नहीं बोलेगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति का कोई नहीं बोलेगा। अब इसके अलावा बताओ और किसमें है अष्टांग योग का वर्णन? मैम योग दर्शन, योग वशिष्ठ में भी है। हाँ योग वशिष्ठ में, मैं वही सुनना चाह रही थी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद है इसमें, एक मिनट, मेरे पास माउस नहीं है अभी, रखने का जगह नहीं है। चलिए मुद्राएं हैं इसमें, वज्रोली अमरोली एवं सहजोली मुद्रा की चर्चा की गई है। योग की अवस्था आरंभ, घट परिचय और निष्पत्ति अवस्था की चर्चा। सेम एज इट इज हट प्रदीपिका में है और मैक्सिमम चीजें हट प्रदीपिका से थोड़ी मिलती जुलती हुई। ठीक है ये योग तत्व उपनिषद है, पूरा रिविजन मतलब कंपेरेटिव स्टडी करने वाला है। फिर उसके बाद है इसमें भूचरी सिद्धि के बारे में बताया गया, फिर अत्यापथ्य का वर्णन और कुटिया का वर्णन किया गया है। अब योग तत्व उपनिषद क्यों बना? तो योगियों के हित और कामना की दृष्टि से क्या है इस उपनिषद का निर्माण? आप कोई कुछ बोल रहा है क्या कि माइक धोखे से अनम्यूट रह गया? थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना। चलिए अब उसके बाद है सृष्टि क्रम। तो इसमें बतलाया गया है कि परमात्म तत्व है, उससे क्या हुआ अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से पंच महाभूत, फिर उससे धातु और उसके बाद गुणात्मक पिंड। और ये जो गुणात्मक पिंड है वो सुख दुख से युक्त होने के कारण है ना, सुख दुख से युक्त होने के कारण उसको क्या कहा गया है? जीव कहलाया है ये। ठीक है चलिए उसके बाद है, एक मिनट है ना। मेरा कर्सर इस पे टचपैड पे थोड़ा सा कमांड नहीं है, मैं माउस यूज करती हूँ तो इस कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। तो अब मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया गया कि मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। बाकी जगहों पर हमने सुबह ही मैंने बताया था है ना, ज्ञान योग का मतलब जो सांख्य योग है या फिर ज्ञान योग है, तो जनरली सब जगह ज्ञान और योग जब दोनों का चढ़ आता है तो उस योग का मतलब लिया जाता है कर्म योग से, लेकिन यहाँ पर उस योग का मतलब अलग है ना। तो मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। तो ज्ञान का स्वरूप अब क्या बतलाया है कि ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है, और जानने योग्य कौन है? ईश्वर। तो उसके ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। एक हो गया पहला ज्ञान का उपासना करने बोला, दूसरा बोला योग का। तो अब वो योग कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया गया है ना। श्लोक को मैं स्किप कर दी हूँ, सॉरी मंत्र को डायरेक्ट हिंदी से करके हम लोग पढ़ रहे हैं है ना। तो व्यवहार की दृष्टि से योग के भेद अनेक हैं, तो मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग। ठीक है ये मंत्र, लय, हठ और राजयोग। तो ये
चार क्या है, योग के भेद हैं। तो सबसे पहले बताया गया है मंत्र योग के बारे में। तो जो मातृका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करते हैं, इसका साधक देखो मातृका है वो मंत्र जो योग है ना, उसका 6 वो बताया गया है ना, मंत्र के अलग अलग जो अंग होते हैं तो उसमें से एक है मातृका। तो मातृका आदि से युक्त मंत्र को क्या है 12 वर्ष तक जप करते हैं, तो जब 12 वर्ष तक जप करते हैं तो इसके साधक को अनिमा आदि की क्या वो क्या है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अनिमा आदि 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम, इसित्तम, बसित्तम। ठीक है, किसमें वर्णन है इसका और कब मिलता है ये अष्ट सिद्धि हमको? और योग सूत्र में कब मिलता है ये? ये तीसरे अध्याय में मिलता है। मैं वर्णन विजय प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, चलिए है ना। तो अल्प बुद्धि वाले लोग, हाँ अल्प बुद्धि वाले लोग क्या है, मंत्र योग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं, है ना। तो अल्प बुद्धि वाले करके क्यों बोला है, क्योंकि मंत्र योग बाकी जो योग है ना, तो उसमें सबसे सरल बोला गया है मंत्र योग को। तो इस कारण से कहा गया है कि अब इसके लिए एकदम हम लोगों को, जैसे ज्ञान योग को है, ज्ञान योग की साधना हर कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, है ना। वो एकदम सुपीरियर कैटेगरी वाले जो योगी हैं उन लोगों के लिए है। तो ये जो मंत्र योग है इसको कोई भी कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग प्रकार का मंत्र है। तो इस कारण इसको बोला गया है कि अल्प बुद्धि वाले लोग मंत्र योग करते हैं तथा वे अधम कोटि के साधक होते हैं, सबसे निचली कोटि के साधक होते हैं ये मंत्र योग करने वाले। उसके बाद दूसरा बताया गया है लय योग के बारे में। तो चित्त का लय ही लय योग है और लय करोड़ों तरह का होता है। चलते बैठते उठते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित मतलब निष्कल परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही क्या है लय योग है। तो हमेशा मतलब कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो उस समय परमात्मा का निरंतर चिंतन करते रहना ही क्या है लय योग है। और चित्त का लय ही क्या बोला गया है लय योग आ गया, और लय है करोड़ों तरह का होता है। किसमें किसमें और बताया गया है लय योग के बारे में? और रत्नावली में भी अच्छी से आ रही है ना। चलिए ठीक है, अब उसके बाद है हठ योग और अष्टांग योग। देखो इसके जो सूत्र है मतलब जो मेन जो उपनिषद है उसके ग्रंथ में हठ योग का एकदम ऐसे अलग से करके वर्णन नहीं किया गया है, दोनों का साथ में है, इस कारण दोनों को ये हठ योग और अष्टांग योग दोनों को एक साथ करके लिख दिया गया है ना। तो यमस्य नियमश्चैव आसनम प्राण संयम प्रत्याहारो धारणा च ध्यानम भूमध्याय हरिम समाधि समतावस्था साष्टांगो योग उच्चते। अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, उसके बाद अलग क्या है इसमें भ्रिकुटि के मध्य श्रीहरि का ध्यान तथा समाधि की जो समतावस्था है उसी को क्या कहते हैं अष्टांग योग कहते हैं। अब इन सब अष्टांग योग में भी मुख्य बोला गया है लघ्वाहार। लघ्वाहार को किसको बोलते हैं? मिताहार को। मतलब यमों में मुख्य है मिताहार, नियमों में मुख्य है अहिंसा, और आसनों में है चार मुख्य आसन सिद्धासन पद्मासन सिंहासन और भद्रासन। एज इट इज किसमें दिया हुआ है ये तीनों का? यस वेरी गुड, है ना। अब उसके बाद है इसमें प्राणायाम का। तो प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा हुआ? प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा। ध्यान का क्या है? भ्रिकुटि के मध्य श्रीहरि का ध्यान करना है, और समाधि में क्या है? साम्यावस्था की स्थिति। अब देखते हैं प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम किस आसन में करना चाहिए? तो उसके लिए बोला गया है पद्मासन में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब प्राणायाम करेंगे तो कहीं ना कहीं पर तो बैठ करके करेंगे ना, तो इस कारण क्या है कुटिया का वर्णन किया गया है। तो कुटिया किस तरह का होना चाहिए? सुशोभित मठ होना चाहिए। जो हमारा कुटिया है वो अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर, है ना। सुशोभन का मतलब वही हुआ सुंदर दिखना चाहिए। फिर उसके बाद है सूक्ष्म द्वार, मतलब द्वार छोटा हो, बड़ा द्वार रहेगा तो कोई भी घुसा चला आएगा। उसके बाद है छिद्र रहित होना चाहिए, उसमें छेद वगैरह ना हो, मतलब ये चूहे सर्प इत्यादि का। फिर गाय के गोबर से लिपी हुई, गाय का गोबर क्या है पवित्र माना जाता है ना, और उसके साइंटिफिक एडवांटेज भी है। तो इस कारण गाय के गोबर से लिपी हुई, खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों से रहित, और प्रतिदिन पूरी
कुटिया को झाड़ बुहाड़ करके स्वच्छ रखना है और धूप गुगल आदि की ध्वनि से क्या करना है, सुवासित करना है। ये सात प्रकार से करके कुटिया का वर्णन किया गया है। फिर बैठने के आसन के बारे में बताया गया है, ना अधिक ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए, मृग चर्म या फिर पुष्प के आसन का होना चाहिए। और इससे पहले वाले में क्या बोला गया था, योग चूड़ामणि उपनिषद में आसन का वर्णन आया था, उसमें क्या बोला गया था, किसको पता है, माइक ओपन करो और बताओ कैसे। कल ही तो पढ़े हैं ना शाम को, किसी को नहीं पता तो काले हिरण का बोला था और हाँ, दर्भ कुश या फिर काले हिरण के चर्म का है ना, उससे हमारा क्या होना चाहिए, आसन होना चाहिए। उसके बाद है पद्मासन में बैठ करके यह क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तीन बताया गया है विशेषता, हम जो आसन बैठते हैं अंदर ये जो सीक्वेंस बताया है, मर्ग या कुश का आसन, मृग चर्म या कुश का आसन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, दोनों को करना कंपलसरी नहीं कहा गया है, ठीक है। आपके पास जो है उसमें बैठ करके आप करेंगे मृग चर्म या फिर कुश का आसन। अब उसके बाद है नाड़ी शोधन की विधि, तो शरीर को सीधा रखकर क्या है, पद्मासन में बैठना है, हाथ जोड़कर इष्ट देवता को है प्रणाम करेंगे, इस तरह से करके हमको नाड़ी शोधन करना है। फिर दाएं हाथ के अंगूठे से पिंगला राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, है ना, मतलब क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। जनरली नाड़ी शोधन का मेथड हम यही जानते हैं, है ना, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद क्या है राइट से एक्सहेल कर देंगे, फिर राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। ये हुआ नाड़ी शोधन का प्रोसेस, सेम इसमें दिया गया है। और उसके बाद इसमें मात्रा के बारे में बताया गया है कि 16 मात्रा तक पूरक करेंगे, पहले बाई नासिका का करके बताया गया है, तो 16 मात्रा तक इनहेल करेंगे, 64 मात्रा तक होल्ड जो करते हैं ना उसी को बोलते हैं कुंभक, ठीक है। तो बाय कुंभक भी लगेगा या सिर्फ अंत कुंभक ही लगेगा, अंत कुंभक का बस है इसमें, है ना। चलिए इससे पहले वाले जो योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़े थे ना, उसमें चारों जो प्राणायाम की वो चार विधि करके ही आया है, पहले रेचक करना है, फिर पूरक करना है, फिर कुंभक करना है, फिर रेचक करना है, तो इस प्रकार उसमें चार प्रकार का क्या है वो प्राणायाम, त्रिशिखो में है वो, अच्छा सॉरी चूड़ामणि में नहीं है, त्रिशिखी में है ना, हाँ मेरे को जस्ट लास्ट वाले का याद आ रहा था, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद। अच्छा तो इससे पहले मैंने बना जो अभी जो कुछ भी बताया है ना, तो लास्ट उपनिषद करके जहां जहां पर भी चर्चा की होगी ना, और मैंने योग चूड़ामणि उपनिषद का नाम लिया होगा, तो वहां पर त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद आया, ठीक है। तो से निकला है मेरे मुंह से योग चूड़ामणि उपनिषद करके, तो ठीक है। फिर 16 मार्च तक क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, फिर 64 मात्रा तक होल्ड करके रखेंगे, है ना, इंटरनल होल्ड करते हैं अंत कुंभक वो, फिर उसके बाद क्या है 32 मात्रा तक करके रेचक कर देंगे। तो पहली बार क्या है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे बाई नाक से, तो इस कारण ये 16, 64, 32, फिर उसके बाद दाएं से पूरक करेंगे, तब सेम 16 मात्रा तक इनहेल, 64 तक होल्ड और 32 तक करके क्या है एक्सहेल कर देंगे। ये हुआ हमारे नाड़ी शोधन का प्रोसेस। अब इसको कितने बार करना है, चार बार करना है 20-20 करके, ठीक है। तो इस बार हम चार बार जब 20-20 करके नाड़ी शोधन करेंगे तो कितने बार हो जाएगा वो, 80 बार। और कब कब करना है, प्रातः मध्यान्ह सायंकाल एवं अर्धरात्रि, मतलब एक बार में हमको 20 बार का अभ्यास करना है। सेम किस में दिया है, हठ प्रदीपिका, यस वेरी गुड, है ना, हठ प्रदीपिका हमारा आधार है ना, हठ प्रदीपिका घेरण संहिता और जो हमारा योग सूत्र है वो, ठीक। चलिए उसके बाद अब मात्रा किसको बोलेंगे, तो इसके बारे में कहा गया कि अपने हाथ से जानू या घुटने की प्रदक्षिणा करके, जो हमारा हाथ है उससे क्या है हम जानू या घुटने की क्या है प्रदक्षिणा कर लेंगे। अब प्रदक्षिणा करने के बाद एक बार क्या है चुटकी बजाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं, मात्रा होती है। और अब समझ में आया मात्रा किसको बोलते हैं, अपने हाथ से क्या करेंगे जानू या घुटने का ऐसे प्रदक्षिणा करेंगे और उसके बाद प्रदक्षिणा करने के बाद चुटकी बजाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, मात्रा। आवाज मुझे नहीं आ रही क्या, सबको नहीं आ रही है? नहीं, नहीं मुझे भी नहीं आ रही, मुझे लगा कि शायद मेरे में प्रॉब्लम आई है।
है, लेफ्ट हो गई भी मैं। मैम आप चुटकी बजाते गायब हो गए। अरे और मैं उधर क्वेश्चन कर रही हूँ है ना, और उसके बाद मैं बोल रही हूँ मीटिंग से लेफ्ट हो गई हूँ कि मैं अकेली हूँ मीटिंग में करके। चलिए हाँ बताइए, किनके किनके बीच का संवाद है ये? फिर से मैं लेफ्ट हो गई क्या? अरे सीता माँ ब्रह्मा क्या भगवान विष्णु, बताओ ना भैया जल्दी बताओ, कैसे आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आता है? भगवान सीता माँ ब्रह्मा विष्णु जी की ब्रह्मा जय। और किनके बीच का संवाद है? विष्णु 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 जी का। विष्णु विष्णु जी ने अब इसमें है ना चुटकी बजा के मात्रा के बारे में बता दिया है, ठीक है। बाकी जगहों पर मात्रा का वर्णन नहीं किया गया है कि किसको बोलते हैं मात्रा करके। तो अब उसके बाद नाड़ी का शोधन हो जाता है 3 महीने में। देखिए अब मैक्सिमम हमने जितना इसमें चीज पढ़ा एज इट इज हट प्रदीपिका के जैसा है उसमें ही बोला गया है 3 माह है या उससे कुछ अधिक में क्या है नाड़ी की शुद्धि हो जाती है। और इसमें बोला गया है हमारे योग तत्व उपनिषद में क्लियरली कि 3 महीने में क्या है नाड़ी की शुद्धि हो जाती है ना। उसके बाद अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण कैसे जानेंगे भैया कि हम 3 महीने तक कर तो लिए लेकिन हुआ है नाड़ी शुद्धि कि नहीं हुआ है? तो उसका क्या है कुछ कुछ सिम्टम होता है जो हमारे बॉडी में दिखता है ना। तो इसी को योग शुद्धि के लक्षण कहा, योग सिद्धि के लक्षण कहा गया है और इसी को नाड़ी शुद्धि के भी लक्षण कहा गया है। तो सबसे पहले होता है इसे शरीर में हल्कापन है ना, अंगों में लाघव होता है इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद जठराग्नि तीव्र हो जाती है और कृष्ता मतलब शरीर में क्या है पतलापन आ जाता है। तो ये 3 हम हुए हमारे नाड़ी शुद्धि के लक्षण। उसके बाद है पथ्य अपथ्य का वर्णन किया गया है। तो लवण तेल अम्ल तीखा रूखा है ना, रूक्ष उष्ण हरे साग हींग आदि मसाले इन सबको अपथ्य आहार कहा गया है। इन सब के अलावा अपथ्य का ये अपथ्य आहार हुआ और ये अपथ्य इसके अलावा और क्या है ना। तो अग्नि का ताप स्त्री प्रसंग अधिक चलना प्रातः काल का स्नान उपवास तथा शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले कार्य ये इत्यादि भी क्या है अपथ्य है। और ये सब अपथ्य क्यों है मैंने सुबह की क्लास में बताया था। उसके बाद पथ्य है गोधूम मतलब गेहूं चावल मूंग और प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध घृत का ही भोजन सर्वश्रेष्ठ है। तो क्या क्या खाएंगे हम लोग? गेहूं की रोटी चावल मूंग दाल का बड़ा और ये प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध और घृत का भोजन ही क्या है सर्वश्रेष्ठ है। केवल 5 चीजें बताई गई है इसमें पथ्य आहार के बारे में है ना। तो ऐसे आहार के सेवन से वायु या प्राण धारण करने की क्षमता आती है। उसके बाद दिया गया है ये प्राण धारण करने की क्षमता आती है ना। पथ्य आहार का सेवन करेंगे तो प्राण धारण करने की क्षमता आई और उससे क्या है केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। तो अब केवल कुंभक की जब सिद्धि होती है तब उससे लाभ क्या होता है कि ऐसे साधक के लिए 3 लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है ना। जब केवल की सिद्धि कब होती है? जब हम पथ्य आहार का सेवन करते हैं और जब केवल की सिद्धि हो जाती है तब हमको क्या लाभ होता है कि 3 लोकों में कुछ भी चीज दुर्लभ नहीं रह जाता है। तो जब कुंभक की सिद्धि की स्थिति होती है तो प्रथम अवस्था को जब हम प्राप्त करते हैं तब उससे पसीना उत्पन्न होता है। उस पसीने को क्या है शरीर में मल देना चाहिए क्योंकि उससे अंगों में लाघवता आती है एज पर हेड प्रदीपी का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे में बतलाया गया है कि शरीर में कंपन होता है। फिर तीसरा बतलाया गया है दार्दुरी या मेढक की सिद्धि होती है ना। इसका मैंने उतने टाइम भी बतलाया था मांडुकी मुद्रा में उसका लाभ बताया गया है ना, ठीक उसी तरह का क्या है ये दार्दुरी या मेढक सिद्धि है। उसके बाद है चतुर्थ है भूमि का त्याग कर देते हैं मतलब जमीन से क्या है थोड़ा सा हम ऊपर उठ जाते हैं। उसके बाद है प्राणायाम का लाभ, तो मल मूत्र कम हो जाते हैं निद्रा कम आती है ये कीचड़ नाक थूक पसीना मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती। और प्राणायाम का निरंतर अभ्यास बढ़ने से भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है, यही तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये भूचरी सिद्धि क्या है, ये 4 हमारे प्राणायाम के एडवांटेज हो गए। तो उसमें से सबसे खास क्या है कि भूचरी सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब ये भूचरी सिद्धि के बारे में कहा गया कि समस्त भूचर पर विजय प्राप्त हो जाता है मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उन सब पर हमको विजय प्राप्त होता है। व्याघ्र शरभ हाथी नीलगाय सिंह आदि मतलब ये इत्यादि क्या है थोड़े हिंसक जीव जंतु है ना। तो इन सबको हाथ लगाने से ही क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है मतलब क्या है ये भूतरी सिद्धि मिली ना तो सुपरमैन बन जाता है योगी। फिर उसके बाद टच बस किया कुछ और लड़ाई झगड़ा करने का जरूरत नहीं है डायरेक्ट जो ये सब है ना वो मर जाएंगे है ना। तो ये यहाँ तक हुआ था हम लोगों का।
अब उसके बाद है ओमकार या प्रणव जप, ये है हमारा आज से स्टार्ट या अभी के क्लास का, है ना। तो ओमकार जप के बारे में या फिर प्रणव जप के बारे में कहा गया है कि एकांत स्थान पर बैठकर प्लुत मात्रा, मतलब जो तीन मात्राएं होती हैं ओमकार की, कौन कौन सी? आकार, उकार, उमा, हाँ, आ, उ और मा, उसका क्या है हमको, एक मिनट कहा गया, उसका क्या है, युक्त, मतलब एकांत स्थान पर बैठकर प्लुत मात्रा, तीन मात्राओं से युक्त प्रणव का जप करना चाहिए। अब इसका लाभ क्या होता है, पूर्व जन्म के पापों का नाश हो जाता है एवं विघ्न बाधाओं एवं दोषों का हरण हो जाता है। अभी जब हम ओमकार जप करेंगे तो हमने पहले जो पाप किए हुए हैं वो सब क्या है, नष्ट हो जाएंगे, और दूसरा है विघ्न बाधाओं एवं दोषों का क्या है, ये हरण कर लेंगे। ये हुआ हमारे ओमकार जप का लाभ। इसके बाद है चार अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि आरंभस्य घटस्यैव ततः परिचयः स्मृतः निष्पत्तिश्चेत्यवस्था च सर्वत्र परिकीर्तिता। तो योग की चार अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई हैं, और ये कौन कौन सी है, आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति। घट प्रदीपिका में भी यही बतलाया गया है। इसके अलावा और कहाँ पर वर्णन है इन चार अवस्थाओं का? रत्नावली में, रत्नावली भी है। और कहीं पर नहीं पढ़ा है? नाद बिंदु उपनिषद में भी है। हाँ, अभी अब बाकी का हठ योग ग्रंथ कंप्लीट होगा ना, तो वहां पर भी आएगा, है ना। तो आरंभ अवस्था, अब इसमें वर्णन नहीं मिलता है, है ना। आप लोग जब इसका उपनिषद पढ़ेंगे, है ना, मेन जब हम उपनिषद पढ़ते हैं ना, तो इसमें इतने सारे चीज को स्किप कर दिया गया, मतलब मेथड ही नहीं बताया गया है, ठीक है। कहाँ गया योग की, ये देखिए डायरेक्ट, हाँ गया, एक मिनट पीछे आ गई ना मैं थोड़ा। तो बहुत सारी चीजों का ना इसमें वर्णन ही नहीं किया गया है। ये है भूचरी सिद्धि के, सॉरी दारदूरी सिद्धि, ठीक है, कि इससे आगे और अधिक अभ्यास होने पर मेढक की तरह चेष्टा होने लगती है, जिस तरह से मेढक उछलकर फिर जमीन पर आ जाता है उसी तरह की स्थिति पद्मासन पर बैठे योगी को हो जाती है। जब अभ्यास इससे अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उठने लगता है। ये हुआ हमारी जो दारदूरी सिद्धि बोला गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो अवस्था है उसमें क्या बोला गया है, जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसा करके कुछ था ना, तो ये हुआ उसका। अब उसके बाद हम लोग अभी किसका पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आरंभ अवस्था, आरंभ, आरंभ अवस्था। किसी को दिखेगा तो बताना है ना इसमें, आगे 83-84 श्लोक देखो मैम, ये वाला स्लाइड ना, हाँ ये ठीक है, यहीं पे देखो घट, हाँ देखो इसमें क्या है, आरंभावस्था का वर्णन नहीं किया गया है। आरंभ के बाद डायरेक्ट ये क्या है, घटावस्था का ही वर्णन किया गया है। इधर भी देखो, ठीक है, ये योग सिद्धि वगैरह के बारे में बताया गया है, लेकिन आरंभ अवस्था का वर्णन नहीं किया गया है इसमें, है ना। तो ये है आरंभ अवस्था का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। जैसे हट प्रदीपिका में सबका बतलाया गया ना कि आरंभ अवस्था में ये होता है, क्या बोलते हैं, विभिन्न जो वाद्य यंत्र हैं उसके सुनाई देते हैं, और आरंभ अवस्था में कैसी कैसी क्रियाएं करने हैं इत्यादि का। तो अब उसी प्रकार अब इसमें घटावस्था का दिया गया है कि वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए, इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहजता से हो जाती है और प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति होती है, है ना। अब फिर देखो सबका दो दो बतलाया गया है ना इसे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में, वैसे सेम अब इसमें घटावस्था के बारे में बोला गया है ना। तो वायु को धारण करने का अभ्यास करना चाहिए, इस क्रिया से क्या है, घटावस्था की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। और दूसरा क्या बतलाया गया है कि प्रत्याहार से घटावस्था की प्राप्ति होती है। अब उसके बाद घटावस्था में स्वरूप कैसे होता है, तो जब प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा, परमात्मा की एकता घटित होती है तब वह क्या कहलाती है, घटावस्था। वो मेथड हुआ मतलब प्रत्याहार के द्वारा और वायु धारण करने के द्वारा क्या है, हम घटावस्था को प्राप्त करेंगे। लेकिन जब घटावस्था एक्चुअल में प्राप्त हो जाएगी तो क्या होता है, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीवात्मा और परमात्मा की एकता घटित होती है। तो ये हुआ हमारा घटावस्था।
अब घटावस्था में है तो उसके चिन्ह क्या क्या हैं? तो पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करें, और दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे योगी इससे पूर्व क्या है बहुत देर तक, मतलब जैसे उस प्राणायाम का ही या फिर नाड़ी शोधन का ही देख ले, 4 बार करने के लिए बोला गया है ना, तो अब उसका चतुर्थ भाग ही मतलब 25% ही अब उसको करना पड़ेगा। तो अब क्या है दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही है ना, एक बार बस करके कभी भी आपको अभ्यास करना है, एक प्रहर मतलब 3 घंटे तक, ठीक है, प्रहर को ही। और अच्छा सॉरी, याम मतलब 1.5 घंटा होता है ना, याम मतलब क्या होता है, जैसे प्रहर मतलब 3 घंटा तीन होता है। घंटा ही होता है मैम, हाँ याम का मतलब याम भी क्या होता प्रहर है, एक ही है। अच्छा हाँ ठीक है। और घटी मतलब कितना होता है, एक घंटे में 24 मिनट, चौबीस मिनट, 24 मिनट। हाँ ठीक है। तो दिन में केवल कुंभक एक बार ही करे, ठीक है, अब एक ही बार करके दिन अथवा रात्रि में एक ही प्रहर करके क्या है अभ्यास करना चाहिए, और दिन में केवल कुंभक केवल एक ही बार करे, ठीक है, इसमें केवल कुंभक को करने के लिए बोला गया है एक ही बार। अब उसके बाद है परिचय अवस्था, तो कुंडलिनी जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, इसका और वर्णन नहीं किया गया है, एकदम डिस्क्राइब इसको किसको किया गया है, इसमें केवल घटावस्था को, और परिचय अवस्था कैसे प्राप्त होती है कुंडलिनी जागरण के द्वारा। उसके बाद है निष्पत्ति अवस्था, तो निष्पत्ति अवस्था का वर्णन है वो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है प्रत्याहार, तो प्रत्याहार के बारे में कहा गया है कि कुंभक में स्थिर होकर योग इंद्रियों को उनके अर्थों या विषयों से खींच करके लाए, यह क्या होता है प्रत्याहार होता है। ठीक, तो कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके अर्थों या विषयों से खींच कर लाए, वही क्या है प्रत्याहार है। बाकी जगहों पर प्रत्याहार का भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, बट इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें प्रत्याहार के बारे में अलग बतलाया गया है ना। अब क्या अलग बतलाया गया है अभी नहीं पूछूंगी, वो टेस्ट में आएगा सीधा। अब इंद्रियों के विषयों को आत्म भावना से ही स्वीकार करे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे इंद्रियों के विषयों को आत्म भावना से ही स्वीकार करे, तो इसका मतलब ये है इंद्रिय जैसे हमारी चक्षु है तो उसका विषय क्या है, उसका विषय क्या है देखना, डिस्कनेक्ट हो गई हूँ क्या। हाँ, इंद्रियों का कार्य क्या है देखना, तो जैसे देख भी रहे हैं ना किसी भी चीज को हम, तो उसको आत्मभाव से देखना है, तो इसीलिए कहा गया है कि इंद्रियों के विषयों को आत्मभावना से ही स्वीकार करें। तो प्रत्याहार का अभ्यास प्रतिदिन एक प्रहर, ठीक है, अर्थात 3 घंटे तक करना चाहिए। इससे पहले प्राणायाम को भी बोला गया है ना, जब सिद्धि मिल जाती है तो 1 घंटे तक करके करना है अभ्यास। उसके बाद इसमें प्रत्याहार को भी बोला गया है कि एक प्रहर तक ही क्या बोलते हैं प्रत्याहार का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। अब प्रत्याहार का फल, अब जब एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो हम क्यों करेंगे भैया कोई काम, है ना। तो इस कारण से पहले यह प्रत्याहार का फल बता दिया गया है कि योगी की चित्त शक्ति है वो बढ़ती है ना, चित्त की जो हमारी शक्ति होती है वो बढ़ती है, दूर श्रवण, ठीक है, दूर जो से जो आवाज आ रहा है वो हमको सुनाई देगा, दूर दृष्टि, ठीक है, मतलब दूर की वस्तु। यहाँ पर दूर दृष्टि मतलब वो वाला दूर दृष्टि नहीं है, है ना, एक मिनट, इसमें दूर दृष्टि और दूरदर्शन दोनों चीजें आई है। तो दूर दृष्टि का मतलब होता है जो और होने वाला है उन सबको हम लोग जान जाते हैं। फिर उसके बाद है दूरदर्शन, मतलब अब दूर में जो स्थित वस्तु है उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाती है। फिर है दूरगमन, तो कहीं का पर भी आने जाने की शक्ति मिल जाती है। फिर उसके बाद वाक सिद्धि मिल जाती है। फिर है काम रूप, जैसे कैसा रूप ग्रहण करना है इसकी शक्ति मिल जाती है, अदृश्य हो जाते हैं। और उसके बाद क्या है मल मूत्र के स्पर्श से लोहे का स्वर्ण में परिवर्तन हो जाना, जैसे पारस का पत्थर होता है ना, तो वो क्या है लोहे को स्पर्श कराते हैं तो उसमें परिवर्तित हो जाता है। तो मल मूत्र के स्पर्श से, जो योगी का मल मूत्र है उसे स्पर्श कराएंगे तो वो लोहा है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। और क्या है इससे आकाश गमन की सिद्धि मिल जाती है। अब बताइए ये जो प्रत्याहार का फल है ऐसे ही वर्णन कहाँ पर आया है, अलग अलग का बताया गया है ये सब फल, लेकिन ऐसी ऐसी सिद्धि का वर्णन और कहाँ पर आया है। विभूति पाद, हाँ
योग दर्शन के विभूतिपाद में लगभग ये सारी शक्तियां बताई गई है ना, बस ये एक एक्स्ट्रा इसमें दे दिया गया है, ये वाला, ये 10वां है ना, बाकी ये लगभग हमने उसमें पढ़ा ही है ना। अब उसके बाद है, ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप है और बुद्धिमान साधक को इससे बचना चाहिए, एज इट इज उसमें भी बोला गया है ना, योग दर्शन में कि जो सिद्धियां मिलती हैं वो योग मतलब समाधि के लिए तो आवश्यक है ना, लेकिन जो योगी है उसके लिए क्या है, ये विघ्न रूप है। बोला गया है कि नहीं बोला गया है? बोला तो ये समाधा उपसर्ग व्युत्थान सिद्ध या यस। और कौन बुलाते हैं जब सिद्धियां मिलती है तो? लोकपाल देवता लोकपाल को बुलाते हैं है ना, देव देवता। हाँ तो देखो अब ये सिद्धियां मिलनी क्यों जरूरी है, जैसे कि हम लोग कहीं पर जा रहे हैं है ना, जैसे मैं बोलूंगी हम लोगों को लगाना है हनुमान आसन, ठीक है, अब उसके बाद फ्रंट स्प्लिट मतलब हनुमान आसन हम लोग कर रहे हैं तो अब अभ्यास करते जाएंगे है ना, तो अब हमारा मसल्स पहले मतलब हिप का हमारा जो मसल्स है वहां पर टाइट है, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे है ना, तो उससे क्या है करके हमको पता चलते जाएगा, मतलब शुरू दिन गए तो थोड़ा सा स्प्लिट हुआ, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो ऐसे ऐसे करके मतलब एक तरह से अगर हम उसको सिद्धि समझे तो धीरे धीरे करके क्या है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं है ना, तो अगर ऐसा नहीं होगा तो हमको पता चलेगा क्या कि हम योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? नहीं पता चलेगा। तो जब ये सिद्धियां आती हैं तब हमको पता चल जाता है कि हम योग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए क्या है, विघ्न रूप है और बुद्धिमान साधक को इससे बचना चाहिए, मतलब ऐसा ऐसा सिद्धि मिल जाएगा तो हो सकता है योगी को अभिमान हो जाए है ना। अब भैया दूर में कोई बैठा है उसके बात को कोई सुन ले रहा है, दूर दृष्टि कहाँ पर क्या होने वाला है, वो जो बोल रहा है वो सब सच हो जा रहा है, तो अब इन सब सिद्धियों का क्या है वो दुरुपयोग भी कर सकता है, तो इस कारण से क्या है, या फिर वो नेम फेम के चक्कर में मतलब ज्यादा प्रसिद्ध होने की भी कोशिश कर सकता है ना, तो इस कारण क्या है उनसे बचना चाहिए। अब उसके बाद दिया गया है ध्यान सॉरी प्रत्याहार के बाद धारणा, तो जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारणा प्राप्त हो जाती है, तो योगी का चित्त है वो वायु के सहित है ना, वायु के साथ करके क्या है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है उसे पंच महाभूत रूपी पंच धारणा प्राप्त हो जाती है। इससे पहले और पंच धारणा के बारे में हम लोग किस उपनिषद में पढ़े हैं? गिरण संहिता ऋषि को ब्राह्मण, यस ऋषि की ब्राह्मण उपनिषद में, ठीक है। अब उसमें पंच धारणा का अभ्यास कितने कितने समय तक करने के लिए बोला गया है? बढ़ाना है 5, 10, 15, 20 ऐसे करके। और आखिरी में जो दिया है उसके बारे में नहीं दिया मैम, लास्ट में नहीं दिया। आकाश आकाश के बारे में जो दिया गया है ना, क्या बोलते हैं आकाशी धारणा है ना, तो उसके बारे में उसको नहीं बोला गया है, बाकी में हम 5-5 घड़ी तक क्या है पढ़ाते जाएंगे। चलिए अब उसके बाद दिया गया है कि पंच धारणा, तो सबसे पहले ये हुए हमारे पंचभूत, और उसके बाद ये स्थान कहाँ से कहाँ पर इसका जो धारणा है उसको करेंगे, और उसका रंग कैसा होता है, बीज मंत्र कैसे हैं, कौन से देवता का धारणा करेंगे वहां पर, और उसके बाद ध्यान का समय क्या होगा, आकृति कैसी होगी और उसका फल कैसा होगा। तो सबसे पहले बताया गया है पृथ्वी के बारे में है ना, पृथ्वी धारणा के बारे में, फिर उसको बोला गया है पैर से जानू तक, इससे पहले भी उसमें ऐसी था त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में स्थान बतलाया गया था उसका, यस मैम, हाँ तो पैर से जानू तक ही था, हाँ हाँ वही बता रही हूँ है ना, तो स्थान का था पैर से जानू, फिर उसके बाद उसका रंग क्या है पीला, उस पिछले वाले में क्या बतलाया गया था, पीला ही था मैम, हाँ पीला बतलाया गया था, और उसके बाद हट प्रदेश सॉरी घेरण संहिता में क्या बतलाया गया है, हरताल हरताल है ना। अब इसका बीज मंत्र क्या है लम, फिर उसके बाद है देवता है इसके चतुर्भुज चतुर्मुखी ब्रह्मा, उसमें इसके देवता कौन थे पृथ्वी के पृथ्वी धारणा के कौन थे, ब्रह्मा ब्रह्मा चतुर्भुज हरि, हाँ वेरी गुड है ना चतुर्भुज हरि। अब इसमें क्या है चतुर्भुज चतुर्मुखी ब्रह्मा, अब इसमें ध्यान का समय है इसमें 5 घटी, उसमें भी 5 घटी ही था, अब इसकी आकृति इसमें क्या बोला गया है
चार कोने, और उसमें उसकी आकृति क्या बतलाई गई थी? यही था मैम, चतुर्भुज ही था। चलिए, और उसका फल क्या है? इसमें पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके बाद है दूसरी धारणा बतलाई गई है जल, तो इसका स्थान है जानु से गुदा तक, इसका स्थान बतलाया गया है शुक्ल, उसमें भी वैसा ही था। और इसका बीज मंत्र है वम, और इसमें देवता है चतुर्भुज विष्णु, और उसमें क्या बतलाया गया था जल का? नारायण। नारायण मैम। हाँ ठीक है ना। फिर उसके बाद है नारायण हरि, ऐसा करके वर्णन आया है ना। अब इसमें उसमें उसका ध्यान इस समय था मैम, उधर स्थान है ना वो घुटना से कटी था। अच्छा हाँ, अब ये यहाँ पर करके, हाँ आप लोग ना इसका दोनों का करके, मतलब जब कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ना, अभी कल वाली जो क्लास होगी ना मॉर्निंग की, या फिर जो भी, उसमें मैं पढ़ाऊंगी नहीं है ना, मैं पूरा पूछूंगी कि इतने दिन तक हमने जो पढ़ा उसका क्या क्या हुआ है, और उसके बाद अगले दिन आप लोग टेस्ट देंगे, तब जाके क्लास आगे बढ़ेगी। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम में तो अल्टीमेटली हम लोगों को भले, मतलब देखो हम लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, कम करो लेकिन बम करो है ना, तो भले थोड़ा लेट से करके पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अच्छे से करके रिवाइज करके आप लोग आज जाइएगा, बढ़िया से पढ़ के आइएगा, फिर उसके बाद आगे की कक्षा होगी, ठीक है। फिर उसके बाद है पांच घटी तक इसका अभ्यास करना है, पिछले वाले में 10 घटी तक बोला गया था। इसके बाद है इसकी आकृति अर्धचंद्र, इससे एडवांटेज मिलता है हमको, जल तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है, सभी पाप है वो हट जाते हैं। फिर है उसके बाद अग्नि, हम बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे, सिर्फ इसका पढ़ लेते हैं ना ताकि ये क्लियर हो। अग्नि, तो अग्नि का वो स्थान बोला गया है गुदा से हृदय तक, और ये कौन से रंग का होता है? रक्त, मतलब लाल रंग का। इसका बीज मंत्र है रम, और इसके देव है त्रिनेत्रधारी रुद्र, और इसके ध्यान का समय है 5 घटी, और आकृति है इसका 3 कोना है ना, मतलब त्रिकोण बताया गया है, और इससे एडवांटेज क्या मिलता है? अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त हो जाता है। फिर है वायु का, तो इसका है हृदय से भ्रूमध्य, और इसका रंग बताया गया है कृष्ण, पिछले वाले में धूम्र करके वायु का बताया गया था है ना। और उसके बाद इसका बीज मंत्र है यम, और इसके जो देव है वो विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर। अब इसमें ध्यान का समय है 5 घटी, इसकी आकृति है षटकोण, और इसका एडवांटेज मिलता है वायु पर विजय प्राप्त हो जाता है, और आकाश गमन की सिद्धि मिल जाती है। ये दोनों इसमें कॉमन दिया गया है, आप इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे है ना। फिर है आकाश का, फिर भ्रूमध्य से मूर्धा इसका स्थान, रंग है इसका धूम्र वर्ण, और बीज है इसका हम, देवता है इनके सदाशिव। फिर उसके बाद है 5 घटी तक इसका अभ्यास करना है, इसकी आकृति है व्योम आकृति की। अब व्योम आकृति कैसे होता है भैया, मैं तो आज तक नहीं देखी हूँ है ना। फिर उसके बाद है आकाश गमन की शक्ति मिलती है इससे, और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। तो देखिए इसमें कॉमन चीज क्या है, ये आकाश गमन की शक्ति और सिद्धि, ये दोनों लगभग एक जैसा ही है ना। आकाश में जाने क्या मतलब, आकाश गमन मतलब उड़ने का ही है ना, ये पंछी बनो उड़ती फिर वाला है ना, तो ये वायु वायु धारणा और आकाश धारणा करने से ऐसा हमको प्राप्त होता है। और इसका है देखो, ये जो देव है ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, बस ये स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ कुछ एक वर्ड है वो एक्स्ट्रा दे दिया गया है, तो देव भी सेम है, बीज मंत्र भी वही है लम वम रम यम हम, ठीक है, लवर यह करके जो याद करते हैं वो, ये कलर भी है वो मैच करता हुआ है, बस इसमें यहाँ पर मेरे को एक चेंज लग रहा है कि जो कृष्ण है वो कृष्ण शायद इससे पहले किसी में नहीं दिया गया था है ना, वायु को दिया दिया रहता है धूम्र वर्ण करके, ऐसा ही है ना। यस मैम, आकाश का नीला दिखाया हुआ था यहाँ पे, आकाश का धूम्र, तो धूम्र वर्ण जनरली वायु के लिए करके लिए दिया जाता है, ठीक है। अब पंच धारणा का फल, ये बहुत सारा ये जो दिया है ये ऐसा ऐसा फल तो मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका लाभ क्या बतलाया गया है कि पंचभूतों पर विजय, मतलब जिस जिस तत्व पर हम धारणा करेंगे उस भूत पर हमको क्या है विजय मिल जाएगा, और योगी का शरीर है अत्यंत दृढ़ हो जाएगा, और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, अब मैं नहीं मरूंगा फिर सबसे पंगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है पंच धारणा करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है, और पंचभूतों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब ध्यान के बारे में बतलाया गया है धारणा के बाद, तो ध्यान कितने प्रकार का है, इसमें सगुण और निर्गुण, इससे पहले और पढ़े हैं क्या?
इससे पहले आया है वर्णन सगुण और निर्गुण ध्यान का, गिरण संहिता में है वशिष्ठ संहिता में है। अब उस ध्यान के बारे में और किस उपनिषद में, किस योग उपनिषद में दिया है ध्यान के बारे में वर्णन? श्वेता श्वेतर उपनिषद। और उसके अलावा ध्यान बिंदु में भी है मैम। अरे कल ही तो वो पढ़ा है अष्टांग योग। हाँ त्रिशिखो में भी है मैम, त्रिशिखो रहेगा ना ध्यान का वर्णन। ठीक है चलिए, अब ध्यान के बारे में बतलाया गया है कि सगुणम ध्यान मेतस, एक मिनट है ना, सगुणम ध्यान मेतत स्याद अणिमादि गुण पदम निर्गुण ध्यान युक्तस्य समाधिस्य ततो भवेत, है ना। तो सगुण ध्यान के बारे में कहा गया है कि ये समय है इसका 6 घटी तक, मतलब 2 घंटा 24 मिनट तक इसका अभ्यास करना है, सॉरी 6 घटी मतलब 2 घंटा 24 मिनट तक वायु को रोक कर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। तो सगुण ध्यान के बारे में बोला गया है कि 6 घटी मतलब 1 घटी में होता है 24 मिनट, तो 5 घटी तक का ऑलरेडी 2 घंटा होता है, फिर उसके बाद 24 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 6 घटी तक हमको क्या है वायु को रोक कर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धि दाता देवों का क्या है निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। धारणा का बोला गया है 5 घटी और ध्यान का बोला गया है 6 घटी, याद रखेंगे इसको, है ना। अब ये जो सगुण ध्यान करते हैं तो उसके में बारे में कहा गया है कि अनिमा आदि की सिद्धि प्राप्त होती है। इससे पहले और किस में पढ़े थे अनिमा आदि की सिद्धि प्राप्त होती है करके? गैरण संहिता में भी है। अरे अभी इसी में पढ़ा है भाई, गैरण में पढ़ा है, इसमें पढ़े हैं प्राणायाम। हाँ किसमें पढ़े हैं? प्राणायाम, है ना। हाँ गया नहीं दिख रहा है, चलिए आप लोगों को याद आ गया, यही बड़ी बात है ना। तो अनिमा आदि की सिद्धि किसमें मिलती है? एक सगुण ध्यान करते हैं तब, और दूसरा किसमें है? प्राणायाम बोले, है ना। एक मिनट कहाँ गया, ये अनिमा आदि की सिद्धि प्राप्ति होती है। अब उसके बाद है निर्गुण निराकार ध्यान। अब निर्गुण जो निर्गुण ध्यान होता है तो उसमें क्या करते हैं, निर्गुण निराकार रूप का ध्यान करते हैं, मतलब निर्गुण स्वरूप में निर्गुण ध्यान करते हैं, क्या है उसमें किसी भी स्वरूप का ध्यान नहीं करना रहता, है ना। तो जब ऐसा करते हैं तो हमको समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद समाधि के बारे में बताया गया है कि दिन द्वादश, है ना, दिन द्वादश के नैव समाधि समाप्नुयात वायु निरुद्ध निरुद्ध में धावी जीवन मुक्तो भव व्ययम, है ना। तो योग में निष्णात मतलब कुशल साधक 12 दिन तक, ठीक है, 12 दिन में ही समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह योगी वायु या प्राण को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो देखो निर्गुण ध्यान के द्वारा क्या मिलता है हमको, समाधि मिलती है, ठीक है। तो ये समाधि के बारे में बोला गया है कि योग में जो कुशल साधक है वो 12 दिन में ही समाधि की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और वह योगी प्राण वायु को स्थिर करके समाधि को सिद्ध करके जीवन में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद अब समाधि के बारे में और आगे वर्णन किया गया है कि समाधि क्षमता अवस्था, इसके बारे में पहले ही बोला गया है ना जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम लोग, तो समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मनु यदि स्वदेह मुत्सृष्टु मिच्छा चेदुत्सृजेत स्वयं, है ना। तो जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था क्या है, समाधि है। जीवात्मा एवं परमात्मा की जो समता अवस्था समान अवस्था है वही क्या है, समाधि है। उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है, मतलब जब हमको ये समाधि की स्थिति प्राप्त होती है तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों की क्या है, समान अवस्था हो जाती है। और यदि ऐसा होता है तो अपने शरीर को भी अगर छोड़ने की इच्छा होती है तो उसका भी परित्याग किया जा सकता है। अब इसको देखो कैसे समझा जा सकता है, सदेह मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो जब सदेह मुक्ति हमको प्राप्त हो जाता है तो अपने कर्म को भोगने के लिए, मतलब जो पहला का कर्म हमको बचा रहता है उसको भोगने के लिए हम लोग जीवित रहते ही हैं। तो इसमें जब बोला गया कि जब जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था ये दोनों जब हमको प्राप्त हो जाती है तो अब अपने शरीर को भी छोड़ने की इच्छा है तो उसको भी हम
छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है इसमें चर्चा मुद्रा का, एक मिनट देख लेती हूँ कितना स्लाइड बचा है, 3 4 4 स्लाइड बस बचा है, जल्दी से कर लेते हैं इसमें, है ना। फिर उसके बाद है मुद्रा, है ना। तो महामुद्रा महाबंधो महावेधस्य खेजरी जालंधर उद्यानस्य मूलबंधस्थैव तथैव च दीर्घ प्रणव संधानम सिद्धांत श्रवणम परमम वज्रोली चामरोली च सहरजोली त्रिधामता। तो महामुद्रा महाबंध महावेद और खेचरी जालंधर बंध उद्यान बंध मूल बंध और दीर्घ प्रणव संधान परम सिद्धांत कुसुन्ना तथा वज्रोली अमरोली एवं सहजोली, ये क्या है, 3 मुद्रा कही गई है। अब पता नहीं इन 3 को जो मुद्रा बोला गया है तो ये बाकी का क्या बोला गया है, मेरे को नहीं समझ आ रहा। इसको परम इतने सारे मुद्रा का नाम तो दिया गया है लेकिन इसमें केवल 3 को मुद्रा करके क्यों बोला गया है, मुझे नहीं समझ आ रहा है ना। एक मिनट इसका और देख लेते हैं, किसी को पता है क्या जो पहले पढ़े होंगे उनमें, इससे पहले और किसी ने नहीं पढ़ा है इसको? नहीं नहीं पढ़ा हमने तो। एक मिनट है ना, देख लेते हैं। लोक का रेफरेंस नंबर क्या था? 27 मैम। 26 27 किसका 26 है ये? अच्छा इधर का है ना। आप लोग जब योग उपनिषद ये कंप्लीट हो जाएगा ना, या फिर जैसे आप लोग नोट्स पढ़ते हैं तो उससे पहले एक बार संस्कृत को करके जब पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है और संस्कृत का इन सब में एकदम से नहीं आता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसका हिंदी हिंदी पढ़ करके देखिएगा योग उपनिषद का, आप लोगों को थोड़ा बहुत जो और डाउट होगा ना वो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये है ना, ये 3 मुद्रा है एग्जैक्टली ऐसा ही दिया गया है ना। उस इसमें का जो दिया गया है वही, तो ये इतनी मुद्राएं हैं, तो परम सिद्धांत को सुनना तथा वज्रोली अमरोली एवं सहजोली, ये 3 मुद्राएं हैं। चलिए देखते हैं अब ऐसा क्यों बोला गया है, अगर किसी को पता चलेगा तो बताइएगा, बिल्कुल ठीक है। तो पहले अब हम लोग पढ़ते हैं महामुद्रा के बारे में। तो बाएं पैर को योनि स्थान पर लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर थोड़ी को छाती से लगाएं। उसके बाद क्या करना है, बाएं पैर को योनि मुद्रा, महामुद्रा हम लोग इससे पहले भी सेम एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़े हैं, है ना। क्या करते हैं, ये बाएं पैर को सामने फैलाते हैं, उसके बाद उसके अंगूठे को पकड़ा, फिर ये ठुड्डी को छाती से लगाया, मतलब जालंधर बन, फिर उसके बाद क्या पूरक करेंगे, ठीक। फिर कुंभक, फिर हाँ हाँ वही जानू सिरासन वाली जो स्थिति होती है। इससे पहले हमने कौन सा उपनिषद पढ़ा था, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें भी महामुद्रा की चर्चा आई थी। त्रिशिखी ब्राह्मण या योग तत्व उपनिषद है, सॉरी योग चूड़ामणि उपनिषद है ना, हाँ। तो उसमें भी महामुद्रा पढ़े थे ना, हाँ, उसमें एग्जैक्टली ऐसा ही वर्णन किया गया था, ठीक है। तो इसका मेथड समझ में आ गया आप लोगों को कि महामुद्रा कैसे करना है, बाएं पैर को योनि स्थान पर लाएं, फिर दाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर ये ठुड्डी को लगाना है, पूरक करेंगे, कुंभक, फिर रेचक, फिर ऐसा करने के बाद सेम प्रोसेस क्या करना है, दाएं पैर से करना है। इसी को क्या बोला जाता है, महामुद्रा। और ये जो महामुद्रा इस तरह से हम लोग करते हैं उसी को क्या बतलाया गया है, महाबंध बोला गया है। तो ये जो महामुद्रा की विधि है उसी को महाबंध कहा गया है। ये एग्जैक्टली जैसा वर्ड इसमें लिखा है ना, सेम उपनिषद में करके भी लिखा है, लेकिन मुझे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं आया, मतलब नेट का सिलेबस ही बढ़ाना था उन लोगों को। अब महामुद्रा को ऐसा कर रहे हैं, तो अब अगर ऐसा ही सेम है तो महाबंध करके और अलग से नाम देने का जरूरत नहीं था, है ना। ये एक तरह से रिसर्च का टॉपिक है कि भगवान ने ऐसा क्यों बतलाया ब्रह्मा जी को, है ना। मैं जाऊंगी जब ऊपर तक पूछूंगी इस चीज को। चलिए उसके बाद है महाबंध के बारे में। तो महामुद्रा की जो विधि है उसी को क्या क्या कहा गया है, महाबंध कहा गया है। उसके बाद है महावेद, है ना। तो महाबंध करने वाली योगी एकाग्र होकर कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति का निरोध करके नासा रंध्रों का
संकुचन करने से वायु शीघ्र बढ़ जाती है, इसी को यहाँ महावेद बतलाया गया है। अब देखो ये महाबंध, महाबंध किसको बोला गया है, महामुद्रा जो करते हैं ना उसकी जो विधि है वही क्या है, एग्जैक्ट महाबंध है। अब ये महाबंध करने वाले योगी को एकाग्र होकर क्या है, कंठ मुद्रा द्वारा वायु की गति का निरोध करना है। उसके बाद दोनों नासारंध्रों का संकुचन करेंगे और उससे क्या है वायु शीघ्र बढ़ जाती, ये निरोध किया। फिर उसके बाद संकुचन करेंगे, तो जब संकुचन करेंगे तो क्या होगा, इनहेल हो जाएगा है ना, तो ऐसा करने से वायु शीघ्र भर जाती है, इसी को यहाँ महावेद बतलाया गया है। इसका और एडवांटेज नहीं दिया गया है। देखो ऐसा करते हैं, ये इमेज को याद रखिए, जानू शीर्षासन वाली उसी वैसा ही महामुद्रा, महाबल और महावेद तीनों का मेथड सेम है, ठीक है। उसके बाद है खेचरी के बारे में कहा गया है कि जिह्वा को लौट कर अंतः कपाल गुहर में लगाकर दोनों भ्रिकुटियों के मध्य स्थिर करना क्या है, खेचरी मुद्रा है। ये नॉर्मल मेथड जो खेचरी मुद्रा का हम पढ़ते हैं वही है। फिर जालंधर बंध के बारे में बताया गया है कि कंठ को संकुचित करके ये थोड़ी को दृढ़ता पूर्वक वक्ष पर स्थापित करना ही जालंधर बंध है। सेम जनरल मेथड है इसका भी। उसके बाद है उद्यान बंध का, जो मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, मतलब मृत्यु मातंग के स्त्री जो बोलते हैं वैसा, तो जिस बंध से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है उसे उद्यान बंध कहते हैं ना, जो प्राण है वो सुषुम्ना में उठता है उसी को क्या बोलते हैं, उद्यान बंध। इससे पहले चित्त को वायु के साथ सुषुम्ना में ले जाना है, ऐसा वर्णन कहाँ पर आया था, इसी उपनिषद में। कहाँ पर आया था, योग चूड़ामणि में शायद आया था, इसी उपनिषद में अभी पढ़े ना, चित्त को क्या है ऊपर ले जाना है, एक मिनट है ना। देखो मेरी जो मेमोरी है वो एग्जाम क्लियर करने के बाद गजनी जैसा हो गया है ना, मेरे को अभी याद नहीं रहता, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी नेट का तो मेरे को एकदम याद रहता था। संध्या मैम के साथ मैंने क्लास अटेंड किया है तो उनको पता होगा, लेकिन अब मुझे याद नहीं रहता है ना। याद रखने का काम आप लोगों का है तो आप लोग याद रखिए अच्छे से, भूलना नहीं है, है ना। एक मिनट दिखा रही हूँ, बट मैम हम लोगों के साथ उल्टा हो रहा है मैम। कैसे, नहीं अभी पूछने पर मैं बता नहीं पाया हम लोग ना। अच्छा ये ठीक है। धारणा में बोला गया है कि चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, यही पूछ रही थी मैं। तो अभी हम लोग किसका एडवांटेज पढ़े हैं, ये उड़ियान, हाँ उद्यान बनता है ना, तो जो प्राण को सुषुम्ना में ले जाने वाली, कहाँ चला गया प्राण, एक मिनट, मेरा एक्चुअली टच पैड पे कमांड नहीं है तो मैं इसे होता यही है मैम, यही है, यही ऊपर स्क्रीन गई ना, उड़ियान बंध। तो जो जिस बंध से प्राण सुषुम्ना में उड़ जाता है उसी को क्या कहते हैं, उड्यान बंध कहते हैं। अब उसके बाद है मूल बंध या फिर योनि बंध, अब इसका दो नाम दिया गया, हम लोग इसको याद रखेंगे है ना। तो एड़ी को योनि स्थान से लगाकर अपान को ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाएं, यही क्या कहलाया गया है, योनि बंध कहा गया है इसी को। ये भी सेम मेथड है, बस इसमें हाथ पैर को ऐसा रखना है, बाएं पैर को सिवनी से लगाना है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला गया है क्या। अच्छा बोला गया है एड़ी को सिवनी योनि स्थान से लगाकर अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाना है, यही क्या बोला गया है, इसको मूल बंध कहा गया है। बैटरी से जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक मिनट है ना। फिर उसके बाद है प्राण अपान नाद और बिंदु की एकता होती है, ये मूल बंध का एडवांटेज है। उसके बाद है विपरीत करनी, तो विपरीत करनी मुद्रा द्वारा प्रथम दिन क्षण भर का अभ्यास करना है, सिर नीचे की ओर और पैरों को ऊपर की ओर करें, और प्रत्येक दिन एक एक क्षण भर निरंतर अभ्यास करते जाएं। अब देखो इसमें ये नहीं बताया गया है कि आपको ऐसा ही करना है, ठीक है, तो प्रथम दिन क्षण भर अभ्यास करना है और प्रत्येक दिन एक एक क्षण बढ़ाते जाना है। और इस विपरीत करनी मुद्रा को कैसे करना है, सिर नीचे और पैर ऊपर करके। अब मेरा सिर नीचे तो शीर्षासन में भी रहेगा और पैर ऊपर शीर्षासन में भी करके रहेगा। अब ऐसा सिर के बल किए जाने वाले, मतलब मैक्सिमम जितना भी आसन है मैं जो भी करेंगे उसमें क्या है, सिर नीचे और पैर ऊपर ऐसा ही रहेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा करना है करके कहीं पर बोला नहीं गया है ना, डायरेक्ट बताया गया कि सिर नीचे और पैर ऊपर, उसी को क्या बोलेंगे, विपरीत करनी मुद्रा। फिर उसके बाद है इसका एडवांटेज है, चलो
ये अब आया, याद करने का बहुत सारा इसका एडवांटेज दिया है, समस्त व्याधियों का नाश करने वाली। उसके बाद है जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, अधिक आहार को पचाने में सामर्थ्यवान है, कम आहार से योगी के शरीर को नष्ट करेगी। और छह, एक मिनट, एक एक करके करते जाते, समस्त व्याधियों को नष्ट कर देती है। कौन सी? हमारी विपरीत करनी मुद्रा। उसके बाद क्या है, जठराग्नि इससे प्रदीप्त हो जाती है, क्योंकि एब्डोमेन एरिया पे इफेक्ट होता है साइंटिफिकली अगर पढ़े तो। अब अधिक आहार को पचाने में सामर्थ्यवान है ना, क्योंकि अब हमारे आमाशय वगैरह इत्यादि को इफेक्ट तो कर ही रहा है, तो इस कारण क्या है, अधिक आहार को पचाने में समर्थवान और कम आहार से योगी के शरीर को नष्ट करेगी। अब जठराग्नि प्रदीप्त हो गया है ना, अब खाएंगे तो उसका पाचन करेगा, अब नहीं खाएंगे तो वो क्या है, योगी के शरीर को ही नष्ट करने लगती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया करता है, नहीं मतलब जब उसको माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी लाइसोसोम करता है ना, जब उसको पाचन करने के लिए और कुछ नहीं मिलता तो अपने अपने ही कोशिकांग का भक्षण करने लगती है। तो ऐसी विपरीत करनी मुद्रा का हम अभ्यास कर रहे हैं और खाना नहीं खाएंगे है ना, तो हमारे शरीर को बनाने के जगह में ही ये हमारे शरीर को ही नष्ट करने लगती है। फिर 6 मास में ही वलित पलित रोग, वलित पलित रोग क्या होता है, इसका एडवांटेज बताया गया है। और ऐसा ही किरण माँ सरस्वती बालों का पकना और झुर्रियां मैम और किसका एडवांटेज होता है, वलित पलित रोग दूर हो जाता है। महामुद्रा का बताया है, महावेद, महावेद और विपरीत विपरीत करने करने का भी है दोनों, मैम, मांडू की मुद्रा का भी है। मांडू की मुद्रा का, यस एग्जैक्टली है ना, फिर वेरी गुड है ना। फिर उसके बाद है प्रतिदिन 1 पहर 3 घंटे का अभ्यास करता है, वह काल को वश में कर लेता है। इसका अभ्यास कितने दिन देर तक करना है, 1 घंटे तक, सॉरी 3 घंटे तक करेंगे, मतलब 1 प्रहर तक करेंगे, तब काल है वो वश में हो जाता है। एक चीज आप लोगों का ये एडवांटेज है कि योग तत्व उपनिषद में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं उसका 3 3 घंटे तक अभ्यास करने के लिए बोला गया है ना, मैक्सिमम चीजें जो आ रही है उसका, तो इसको याद रखेंगे। अब उसके बाद है वज्रोली, तो इसमें विधि का वर्णन नहीं दिया गया है। चलो थैंक यू भगवान विष्णु जो आपने विधि को नहीं बताया है ना, याद करने के लिए ज्यादा नहीं है। अब उसका एडवांटेज है कि सिद्ध अवस्था की प्राप्ति और भूत भविष्य का ज्ञाता। देखो वज्रोली मुद्रा जब हम करेंगे तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी, भूत और भविष्य का ज्ञाता हो जाएगा, मतलब पहले क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है इस चीज को हम लोग जान जाएंगे, और आकाश गमन की सिद्धि मिलती है। और बताओ आकाश गमन की सिद्धि किसमें दिया था, प्राणायाम के चौथी धारणा, अवस्था में हाँ और धारणा में था, धारणा में था मैम, धारणा हाँ कौन सी धारणा में था, फल था प्रत्याहार, हाँ वायु और वायु और उसमें ये आकाश। आकाश। हाँ एक में आकाश गमन की शक्ति लिखा था, एक में आकाश गमन का सिद्धि था, ये वायु धारणा का था, ठीक है। फिर उसके बाद है अमरोली, तो जो योगी अमरी, मतलब अमरी किसको बोलते हैं, मूत्र को या फिर सोमरस को पान करता है और सूंघता है, साथ में वज्रोली का अभ्यास करता है, उसे ही क्या कहा, उसे अमरोली का साधक करते हैं। तो याद रखेंगे कि जो अमरी, अमरी का मतलब क्या होता है, मूत्र या फिर सोमरस, उसका पान करता है, सूंघता है और साथ में वज्रोली का अभ्यास करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, अमरोली का साधक कहते हैं। और ऐसा करने से राजयोग को सिद्ध करने में समर्थवान हो जाता है और विवेक और वैराग्यवान हो जाता है, ठीक है, सॉरी विवेक और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। अब उसके बाद है राजयोग के बारे में बताया गया है कि वज्रोली एवं अमरोली को साधने के पश्चात साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है ना। तो वज्रोली एवं अमरोली को साधने के पश्चात जो साधक है राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, और राजयोग के सिद्ध हो जाने से रोगी को हठ योग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अब देखो इसमें एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो हठ योग था वहां पर हम लोग अष्टांग योग को पढ़े हैं, उसी का स्लैश ऑब्लिक में दिया था अष्टांग योग, और जनरली बाकी जगहों पर हम लोग अष्टांग योग को भी क्या पढ़ते हैं, राजयोग राजयोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट है। उसमें जो हठ योग है वहां पर करके अष्टांग योग का वर्णन आया है, और इसमें राजयोग किसको बोला गया है, वज्रोली एवं अमरोली को साधने के पश्चात साधक राजयोग को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है, और राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी को हठ योग की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद है इसमें प्रणव का स्वरूप, तो 3 अक्षर, 3 लोक, 3 वेद, 3 संध्याएं, 3 स्वर,
तीन अग्नि और तीन गुण, ठीक है। इस प्रकार है प्रणव का स्वरूप। और उसके बाद है इसमें हृदय संस्थान अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है उसका मुख नीचे की ओर है और उसकी नाल ऊपर की ओर है और बिंदु क्या है नीचे है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। एक चीज मैं कहूंगी है ना, जैसे योग उपनिषद का मैं पढ़ रही हूँ ना, तो इसमें बहुत सारा चीज ऐसा ऐसा दिया है जिसको सर्च करने पर भी नहीं मिलता। जैसे वो चार तरह के वात था, मैं उसका सर लोगों को भी पूछी कि ये चार तरह का क्या होता है सर वात ऐसे करके, तो वैसे ये अभी करने से पहले ना ये कौन सा था, तीन अग्नि में सर्च करी है ना, तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो क्या है मंदाग्नि और तीव्र अग्नि। जठराग्नि, हाँ, वही जठराग्नि, धातु अग्नि, करती अद्भुत है। अग्नि। हाँ तो लेकिन इसमें क्या है, अब एग्जैक्ट वही है कि नहीं है इसको हम लोग बोल नहीं सकते है ना, तो ये वैसी योग उपनिषद का वैसा ही कई सारी चीजें ना हमको रटनी पड़ जाती है ऐसा टाइप है, उसका ढूंढने पर से भी नहीं मिलता है। तो इस प्रणव के स्वरूप को बतलाया गया कि तीन अक्षर, तीन लोक, तीन वेद, और अब तीन अक्षर में क्या है अ उमा, तीन लोक में भू भुवः श्वः, और तीन वेद में क्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्व बाद में आया इसलिए। और उसके बाद है त्रिकाल संध्या, तीन संध्याएं जो बोलते हैं, एक सुबह का रहता है, एक मध्य का, और उसके बाद मतलब जो हाँ 12 वाले जहां पर दो बेलाएं आपस में मिलती है ना, रात के बाद से लेकर के सुबह के बीच आता है एक, फिर उसके बाद ये सुबह वाला और ये शाम के बीच का, मतलब जो सॉरी सुबह और उसके बाद एकदम जो धूप तेज हो जाती है ना वहां पर के वाले को दूसरा, और उसके बाद ये अभी शाम मतलब ये वाला सेशन एंड, और उसके बाद ये रात का जो प्रारंभ होता है उसको बोलते हैं तीसरी संध्या, ठीक है। और ये तीन स्वर का नहीं पता चला मुझे, तीन स्वर कौन कौन से हैं किसी को पता है क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अपलु स्वर, मैम अच्छा ये ग्रामर में हिंदी में हाँ होता है। ठीक, इसमें पढ़े हैं ना। और उसके बाद तीन अग्नि, तो तीन अग्नि का मेरे को आयुर्वेद वाला ही समझ में आया, और तीन गुण में क्या है सत रज और तम। तो इस तरह से प्रणव का स्वरूप इसमें क्या करना है, हृदय संस्थान कौन से मतलब बोले सत रज तम तीन गुण स्वर स्वर स्वर, ये वो क्या बोलते हैं प्लुत स्वर, क्या पढ़े थे हम दीर्घ बोले सर अब अभी दीर्घ स्वर। स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। अच्छा हाँ वो ठीक है, बार बार मेरे को बैटरी सेवर का रिमाइंड आ रहा है ना, एक मिनट एक लास्ट कंप्लीट कर लेती हूँ इसको, फिर मैं मोबाइल से जोड़ती हूँ है ना। मैम तीन अग्नि बता एक दीजिए। तीन अग्नि का भाई आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग जो पढ़ते हैं ना वही वाला मेरे को मिला अभी तक। जठराग्नि, हाँ धातु अग्नि और भूत अग्नि। ठीक हाँ वो हाँ ठीक है ये तो आकार, एक मिनट आप लोग वो कर लेंगे है ना, मैं इसको आ रही हूँ कनेक्ट करके, थोड़ा सा मैं डिसकनेक्ट हो जाऊंगी, थोड़ा सा बचा है ये हो जाएगा वैसे, चलो इसको थोड़ा सा जल्दी करके मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो क्या है इसमें, जो कमल स्थित है उसका मुख नीचे की ओर है और उसकी नाल है वो ऊपर की ओर है। इसमें क्या बोला गया है, जो प्रणव के स्वरूप के बारे में अनाहत चक्र में जो कमल स्थित है ना, वो कमल का स्थिति कहाँ पर बताया गया है, अनाहत चक्र में, और उसका मुख है वो नीचे की ओर स्थित है। ये देखिए है ना, ये जो कमल है उसका मुख है वो नीचे की ओर स्थित है, उसकी नाल है, ये उसकी नाल दिख रहा है आप लोगों को, ये ऊपर की ओर है, और उसका जो बिंदु है वो नीचे के की ओर है, और उसी के मध्य में क्या है मन प्रतिष्ठित है। अब इस अकार में हृदय कमल को रेचित किया जाता है और उकार से उसका भेदन किया जाता है, और मकार में क्या है नाद की प्राप्ति होती है, और अर्ध मात्रा होता है वो पाप का नाश होता है, से शुद्ध स्फटिक के समान। अब मैं मोबाइल से देख रही हूँ उसके बाद आगे का देखती हूँ, ठीक है एक मिनट बोलिए। संतोषी ऑन है नहीं, ऑफ है ना मेरा, एक मिनट।
कोई उससे जुड़ा है क्या? हेलो जी मैम, एक मिनट ना। सॉरी वो क्या बोलते हैं, प्लग नहीं था, मैं बाहर ऐसे खुले में बैठ करके ले रही थी क्लास, इस कारण से चार्जिंग खत्म हो गया तो पोर्ट नहीं था, है ना। तो ये इस तरह से हमको हमारा कंप्लीट हुआ। आप लोगों को आया समझ में इसमें का? जी हेलो। मैम, हाँ, जी इस मैम, बार आज की क्लास जी से मैम, रिलेटेड कोई जी डाउट मैम, है? नो आज की मैम, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? अभी तो नहीं मैम, ये नो पढ़ना मैम, पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए। तो उसमें प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चन हैं, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग सारे का एक साथ करके करेंगे, है ना। रिकॉर्डिंग क्लोज कर देंगे। आप में से कोई लैपटॉप से जुड़ा हुआ है? यस मैम, हाँ, उनको एडमिन बना दीजिए और रिकॉर्डिंग पहले क्लोज करवा दीजिए। हाँ, पढ़ करके आकर के पूछिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ करा दीजिए पहले, फिर बाकी का हम लोग देखते हैं। कौन कर रहे हैं रिकॉर्डिंग ऑफ? मेघा मैम है ना, मेघा मैम जुड़ी हुई हैं साथ हाँ ही। हाँ, चलिए उनको बना दीजिए एडमिन। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर लेती हूँ तब तक क्वेश्चन के लिए। जी, मेघा जी कर दीजिए। हाँ नहीं बता रहा है मेरे को भी ऑप्शन ऑफ करने के लिए। हाँ हो गया।